भाई दूज के दिन महाकाल दर्शन करने पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती। महाकाल दर्शन के बाद गर्भगृह के सामने स्थित ननिहाल में काफी देर तक नंदी के पास बैठी रही और बाबा महाकाल को निहारते रहे। अनोखी मुद्रा देखकर ननिहाल में उपस्थित सभी लोग अचंभित रह गए। महाकाल दर्शन के बाद में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती महानिर्वाणी अखाड़े के महंत श्री विनित गिरी जी राज महाराज से भेंट करने पहुंची, जहां पर उन्होंने भोजन ग्रहण किया। महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनित गिरी जी ने विदुषी परंपरा निभाते हुए संत उमा भारती का अभिवादन किया और परंपरा अनुसार उन्हें मिठाई व श्री फल भेंट कर सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए उमा भारती ने बिहार और महाराष्ट्र की राजनीति पर भी चर्चा की गई है। भैया दूज, तो आज बाबा महाकाल को प्रणाम करने आई हूँ, क्योंकि वो माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, गुरु हैं, सखा हैं। इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी एक सरकार है। लेकिन ये सच्चाई है कि महाराष्ट्र की सरकार जो है वो एक ऐसी विषमताओं से मिली हुई सरकार है कि उनको राज्य चलाना मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि शिवसेना और कांग्रेस का कभी भी वैचारिक मेल नहीं हो सकता। और इसलिए मैंने जो कहा ना कि विषमताओं से मिली हुई सरकार है, तो ऐसी सरकार ठीक से चल नहीं पाती है। कब तक चलेगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन ठीक से नहीं चल पाती है जब विचारों की विषमता होती है। तो मैं तो बंगाल के बारे में 2002 के चुनाव में भविष्यवाणी कर आई थी, भविष्यवाणी यानी ज्योतिषी वाली नहीं, नेताओं वाली, कि यहाँ से जब वामपंथी जाएंगे तो कांग्रेस नहीं आएगी, ममता आएगी, और फिर ममता को हम हटाएंगे। और वही हुआ, क्योंकि मैं वहाँ की राजनीतिक स्थितियाँ देख रही थी कि वामपंथियों के खिलाफ ममता निरंतर संघर्ष कर रही थी। लेकिन जब ममता सरकार में आई तो उसने वामपंथियों से भी ज़्यादा गलत तरीके इस्तेमाल किए, जिसमें हिंसा को बढ़ावा दिया, विरोधियों को निर्दयता से कुचलने को बढ़ावा दिया, राज्य के विकास के मामले में केंद्र के साथ बिल्कुल सहयोग नहीं किया, राज्य के विकास की योजनाओं का मैं इसकी गवाह हूँ। क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा शिकार बनता है, अगर आपको याद हो तो फ्लड का, क्या बोलते हैं फ्लड को, बाढ़ का बंगाल बहुत बड़ा शिकार बनता है। उनको पैसे देने होते हैं हमें, लेकिन हम तब तक पैसे नहीं दे सकते जब तक कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। वो हमें यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देते थे, वो केंद्र की सत्ता को नहीं मानते थे, और जब तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ना मिले तो हम पैसे नहीं भेज सकते थे, तो हम पे पैसे नहीं भेजने का आरोप भी लगाते थे वो, और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी नहीं भेजते थे, जिसके बिना हम पैसे दे नहीं सकते थे। तब मैं समझ गई थी कि पश्चिम बंगाल की सरकार संविधान को नहीं मानती, ममता बनर्जी संविधान को नहीं मानती, और ये पहले भी उनकी प्रकृति में था। अगर आपको याद हो तो एक बार उन्होंने स्पीकर पर अपने गले का शाल उतार के फेंक दिया था, एक बार ऐसा भी ऐसी भी घटना हो गई थी कि अपने गले का शाल उतार के स्पीकर के ऊपर फेंक दिया था। तो ये चीज़ें उनकी बरकरार रहीं, मुझे लगा कि सत्ता में आने के बाद में वो एक समन्वयवादी नेता हो जाएंगी, वो नहीं हो पाई, वो दुराग्रही हो गई, हटी हो गई, नियम को नहीं माना, संविधान को नहीं माना, कानून को नहीं माना, और इसी का परिणाम है कि वहाँ भाजपा को आना ये स्वाभाविक है कि वहाँ हमें सरकार में आना, ये मतलब बड़ी नेचुरल सी बात है। आशीर्वाद स्वरूप हमने नहीं दिया है, वो हमारे यहाँ एक परंपरा है, भारतीय सनातन संस्कृति में अनादिकाल की परंपरा है कि दिवाली के बाद में हम लोग भाई दूज मनाते हैं। ये दूज का पावन पर्व आता है जो कि पूरे भारत में जोर शोर से मनाया जाता है, तो उनका चूँकि स्नेह बहुत पहले से प्राप्त होता रहा है, तो कई बार वो माँ के रूप में भी होती हैं, कई बार बहन के भी रूप में होती हैं। तो ये आज मेरा सौभाग्य है कि बाबा महाकाल का दर्शन करने के लिए वो आई हुई थी, तो भाई दूज के स्वरूप में एक जो हमारी चूँकि संत हम भी हैं वो भी हैं, तो उस परंपरा के अनुसार बाबा का प्रसाद ही हमारे पास सबसे हमारी अमूल्य धरोहर होती है, तो हमने उनको भेंट किया है उसको। और आज कार्तिक का दूसरा दिन है तो और भी सोने में सुहागा हो जाता है, आज बाबा की सवारी भी है, तो ये सारी परंपराएँ हैं और उन परंपराओं का हम लोग पालन करते रहते हैं। और आज उमा जी आई तो अच्छा भी लगा, और उसके साथ साथ में एक अद्भुत संयोग भी बना। वो अद्भुत संयोग ये कि आज एक तरफ तो बाबा की सवारी है, भाई दूज भी है, और जैसा कि उन्होंने बताया कि वो चमत्कारिक रूप से आज यहाँ पर आई, तो बाबा ने निश्चित रूप से उनको बुलाया था और यहाँ आकर के उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया, बाबा का भोग प्रसाद ग्रहण किया, और उसके पश्चात तो जो हमारी सनातनी परंपरा है उसका पालन हुआ। उज्जैन से अर्पित बड़ाना की रिपोर्ट।